अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी आज है संडे, और संडे को क्या होता है कि ना कभी कभी हलवा पूड़ी का नाश्ता आ जाता है, तो कभी कभी पापे का नाश्ता भी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का कि जी अभी मैं जो नाश्ता करने लगी हूँ वो है गर्म गर्म चाय, साथ में मक्खन और है जी डबल रोटी, ये देखें। ठीक है, और जेनिफर जो है वो बैठी हुई है सामने। जेनिफर वो बैठी हुई है, बच्चों ने नाश्ता कर लिया है और थोड़े सा मैं देर में उठी हूँ आज, इसलिए कि संडे था और मैंने किया आज ऑफ, इसलिए कि ना बकराईद आ रही है और कपड़े इतने हो रहे हैं ना धोने के लिए, क्योंकि लाइटें नहीं थी घर पे। आपको पता लाइट नहीं होती है और घर का जो निज़ाम होता है दर बदम हो जाता है। तो वो अभी मैं पर्दे जो है ना, ये वाले, ये जो आप नज़र आ रहे होंगे ना पीछे, ये उतारने हैं अभी। और बहुत सारे अभी कपड़े भी हैं वो भी मैंने धोने हैं, 1 हफ्ते के कपड़े हैं बहुत सारे, वो भी धोने हैं कपड़े। लाभी के भी हैं, मेरे भी हैं, अबू के भी हैं, सबके ही हैं कपड़े, तो वो कपड़े धोऊंगी। साथ में जी खाना पता नहीं मैं बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, जो भी बनाऊंगी वो आपको दिखा दिया जाएगा या फिर बाजार से मंगवाऊंगी, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और फिर जो है आपको होता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि बारिश का तो बोल रहे हैं कि होगी बारिश, अब देखते हैं होती है कि नहीं होती। और मैं कर लूँ नाश्ता, तो जिसने नाश्ता करना है डबल रोटी मक्खन का तो आ सकते हो, नाश्ता कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, तो चले फिर आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ इस ब्लॉग में, ठीक है, कि क्या क्या होगा। ठीक है जी, तो बकरीद भी आने वाली है माशाल्लाह से, बड़ी ईद जिसको कहा जाता है। तो जी अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का। महेशी मंडी जो है वो, अरे महेशी मंडी बोलते क्या बोलते हैं कमर्स में, ज़रूर बताइएगा मुझे कि क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी सज चुकी है और बड़ी प्यारी प्यारी, आपने वो गायें देखी, वो बकरा देखा, वो छोटा सा भी 3 महीने नहीं 9 दिन का है वो ना, उसके कान इतने बड़े बड़े इतने प्यारे, मैंने यूट्यूब पे देखा था वो। और एक गायें भी आई है वो छोटी सी ना, तो वो भी देखी थी, बहुत प्यारी सी थी। तो अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का कि ये देखो, ये अल्लाह ताला जितनी भी कुर्बानियाँ होती हैं हर साल, और उससे ज़्यादा जानवर अल्लाह ताला पैदा करते हैं, तो माशाल्लाह से ये तो सुन्नत है। तो जी हमें भी अल्लाह ताला जो ना, हमें भी अल्लाह ताला कामयाब करे और हम भी कुर्बानी करें। आप दुआ कीजिएगा कि यूट्यूब से मुझे पेमेंट मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं ज़रूर कुर्बानी करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मेरी ज़रूर सुनता है, वो सुनता रहे, सबकी सुनता है, तो मेरी भी ज़रूर सुनेगा। तो जिससे मेरी कुर्बानी, हमारे घर में कुर्बानी होगी ना, तो मेरा बच्चे तो यही बोलते रहते कि मम्मा किसकी कुर्बानी करेंगे, तो मैं ये बोलती हूँ कि ना देखो किसकी होती है, अब अल्लाह ताला खैर रखे, तो कभी की नहीं है मैंने कुर्बानी ना। तो चलें आगे भी देखते हैं ब्लॉग में क्या है। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं नाश्ता कर लूँ। ठीक है, इसने नाश्ता करना है वो आ सकते हैं। देखें जी मशीन भी मैंने लगा ली, ये देखिए कपड़े धुल रहे हैं, देखो व्यूअर्स कितने सारे कपड़े हैं, ये देखें ये भी कपड़े हैं सारे, और ये सारे पर्दे वर्दे ये सारे ये उतारे थे वहाँ से ड्राइंग रूम से, आपको मैंने दिखाया था ना, ये सारी चादरें वादरे भी हैं। तो अभी मशीन लगा ली है मैंने, और अभी जो है ना ये सर्फ़ है, सर्फ़ एरियल, इससे मैं धोती हूँ ये कपड़े ना, बहुत अच्छे धोता है सर्फ़ एरियल के साथ। ठीक है जी, तो अभी कपड़े धुल जाएंगे और फिर जो भी ब्लॉग में होगा वो आप देखिएगा। ठीक है जी, तो देखें जी कितने सारे कपड़े हैं यहाँ पर, ये देखें चादरें वगैरह, और ये तो स्टैंड है कपड़ों का ना, तो नीचे देखें चादरें भी हैं और पर्दे भी हैं, मशीन लगा ली है और धुल रहे हैं जी, हफ्ता सफाई हो रही है क्योंकि आपको पता ही है बकरीद आने वाली है, तो फिर सारे काम जो है जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, ताकि ना फिर ना ईद जब आती 3 दिन तो मैं कुछ भी नहीं करती भाई, सीधी बात है, इंजॉय करती हूँ अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ और यूट्यूबर लोगों के साथ जो मेरे फैमिली हैं। सबसे पहले आप लोगों से जो ना सलाम दुआ होती है, ख़ानदान वालों से तो नहीं होती लेकिन सबसे पहले आप लोगों से होती है। तो बस सारे कपड़े वगैरह मैंने धो लिए, अभी धुलेंगे, थोड़े बहुत रह गए हैं तो बस अभी धो के सारे मैं डाल दूँगी। और जी पर्दे भी हैं वो भी धोने थे, और वो भी मैंने धो के, और फिर हम जब सूख जाएंगे तो प्रेस करके डाल देंगे। अल्लाह खैर सलाह, 1 हफ़्ता पहले की सारी सफाई होनी चाहिए घर की, क्यों ना हो, इसलिए कि भाई ईद आ रही होती है तो यही होता है कि भाई सफाई वगैरह हो, घर साफ सुथरा हो तो अच्छा लगता है, कि कोई घर में आता गोश्त देने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस चले जी,
अभी जो है मैं काम शाम कर लूँगी, बहुत सारे काम है, पूरा घर भी झाड़ना है अभी मुझे, बहुत काम है। तो जैसे जैसे व्लॉग में होता रहेगा मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। ठीक है जी जी कपड़े भी मैंने डाल दिए और पर्दे भी सारे डाल दिए, धोए थे चादरें भी, और ये देखें पर्दे भी ना धो के और डाल दिए सारे। और मैंने जुगाड़ लगाया कैसे कि मेरे घर में चुटकनियाँ नहीं थी ना, तो इसके नीचे सारे कपड़े लगा डाल के और फिर इसको डाल दी चादर। ये देखें तो अब ये कपड़े भी नहीं गिरेंगे, और जो ना यहाँ पर हवा बहुत आती है, ये देखिए हवा ना बहुत आती है, तो सारे कपड़े जो है ना मैंने इसके नीचे डाल दिए, ये देखिए जी सारे कपड़े, और ऊपर डाल दी चादर। अब ये गिरेंगे भी नहीं कपड़े, तो आपके घर पे भी अगर चुटकनी नहीं हो तो आप ही ऐसे कपड़े डाल सकते हैं, तो कपड़े नहीं गिरेंगे। ठीक है जी, तो देखें जी कितने सारे कपड़े हैं यहाँ पर, ये देखें चादरें वगैरह, और ये तो स्टैंड है कपड़ों का ना, तो नीचे देखें चादरें भी हैं और पर्दे भी हैं, मशीन लगा ली है और धुल रहे हैं जी, हफ्ता सफाई हो रही है क्योंकि आपको पता ही है बकरा ईद आने वाली है, तो फिर सारे काम जो है जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, ताकि ना फिर ना ईद जब आती तीनों दिन तो मैं कुछ भी नहीं करती भाई, सीधी बात है, इंजॉय करती हूँ अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ और यूट्यूबर लोगों के साथ जो मेरे फैमिली हैं। सबसे पहले आप लोगों से जो ना सलाम दुआ होती है, ख़ानदान वालों से तो नहीं होती लेकिन सबसे पहले आप लोगों से होती है। तो बस सारे कपड़े वगैरह मैंने धो लिए, अभी धुलेंगे, थोड़े बहुत रह गए हैं तो बस अभी धो के सारे मैं डाल दूँगी। और जी पर्दे भी हैं वो भी धोने थे, और वो भी मैंने धो के और फिर हम जब सूख जाएंगे तो प्रेस करके डाल देंगे। अल्लाह खैर सलाह, एक हफ़्ता पहले की सारी सफाई होनी चाहिए घर की, क्यों ना हो, इसलिए कि भाई ईद आ रही होती है तो यही होता है कि भाई सफाई वगैरह हो, घर साफ सुथरा हो तो अच्छा लगता है, कि कोई घर में आता गोश्त देने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस चले जी अभी जो है मैं काम शाम कर लूँगी, बहुत सारे काम है, पूरा घर भी झाड़ना है अभी मुझे, बहुत काम है। तो जैसे जैसे व्लॉग में होता रहेगा मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। ठीक है जी, यहाँ की भी करनी है मैंने सफाई सारी, ये देखें पूरा किचन जो ना उल्टा पड़ा हुआ है, और ड्राइंग रूम तो बिल्कुल साफ़ कर दिया मैंने और झाड़ भी दिया है, लेकिन यहाँ से जो है ना ये किचन वगैरह ये पूरा झाड़ना है, ऊपर जो है जाले बहुत हो रहे हैं ना, इस जगह पर देख रहे हैं सब जाले बहुत हो रहे हैं, तो बस ये जाले वगैरह सारी साफ़ करूँगी। और ये जो है ना सारी यहाँ से लेकर वहाँ तक, तो वो जाली कपड़ा लेके और बर्तन जिससे धोती हूँ मैं वो, और जो ना लेंगे हम सरफ, अच्छी तरह से मैं सारा साफ़ सुथरा करूँगी। ठीक है जी, तो किचन मेरा अभी उल्टा पड़ा है, ये देखें हर चीज़ उल्टी पड़ी हुई है क्योंकि मैं अकेली काम कर रही हूँ, क्योंकि इसलिए कि ना वो बच्चे अभी थोड़े से गए हुए हैं, लाबी गई हुई है ट्यूशन, और जो है ना आज मैंने कर ली छुट्टी, आपको बताया जिस तरह कि आज मैंने काम बहुत सारा करना था घर पर। और जी प्रो क्या कर रही है, प्रो ये देखिए प्रो बोर हो रही है। चले जी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है जी, और मैं ज़रा काम कर लूँगी, काम बहुत है, और अगर मैंने वीडियो दिखाई ना तो रात हो जाएगी क्योंकि काम बहुत सारे हैं। और फ्रिज भी है जी, मैं फ्रिज दिखाऊँ आपको, ये भी आज है ना मैंने ना धोना है, ये सब कुछ निकालूंगी यहाँ से, ये देखें ये बर्फ़ है ना जमी हुई है सारी, ये सब निकाल के सारा इसको ना नमक डाल के और फिर मैं सारे चीज़ें वैसे निकाल के ना आपको बताया ना कि आज बहुत काम है घर के, तो बस अभी जो ना ये सब चीज़ें निकाल के और फिर मैं इसमें डालूंगी नमक, नमक डालूंगी ना तो बर्फ़ ना जो है ना जल्दी ना घुल जाती है। ठीक है, अगर आपके घर में भी ना इस तरह से अगर बर्फ़ जमी हुई है फ्रिज के अंदर, तो भाई आप इस तरह से करें कि नमक बहुत सारा लीजिए और सारे में छिड़क दीजिए। ठीक है, और 10 मिनट के बाद जो ना बर्फ़ यूँ पिघल रही होती है। ठीक है, तो चले जी फिर मेरी वीडियो है जो आपको अच्छी लगी होगी, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और जो नए हैं मेरे चैनल पे उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें, लाइक भी लाजमी किया करें अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो। ठीक है जी, और मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ढेर सारा ख्याल रखिए, खाए पिए मौज करें, यही है ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।